की सुकत परो के लिए अपने खंडारों के लिए, ये जान लो मैं ईश्वर की संपत्ति चाहूंगा नहीं। प्रस्तुत परिचय के माध्यम से प्यारे छात्रों कवि कहते हैं कि हमें कभी भी किसी भी चीज की लालसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कवि का कहना है कि हमारे जो सुख देने वाले क्षण हैं इनको यादगार बनाने के लिए, हमें भग्न आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर की संपत्ति भी हमें कोई देने का प्रयास करे तो भी उस ईश्वर की संपत्ति को हम नहीं लेना चाहेंगे और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह संपत्ति को हमें ठुकरा देने में ही हमारी भलाई है। ये संपत्ति हमें ठुकरा देनी चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है प्यारे छात्रों, इससे हमारा स्वाभिमान, हमारा आत्मसम्मान को ठेच पहुंचती है। और जो इंसान स्वाभिमान से, आत्मसम्मान से जीवन जीता है, उसके लिए ये संपत्ति कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए ऐसी संपत्ति को हमें ठुकरा देना ही चाहिए। कवि भी इस संपत्ति को ठुकराने की ही बात करते हैं। कवि कहते हैं कि इस हालत में मैं किसी से वरदान नहीं मांग सकता, और अपने याद सुखों के क्षणों के लिए यादगार बनाने के लिए किसी की मदद भी नहीं मैं लेना चाहता, मैं वरदान नहीं मांग सकता। नमस्कार छात्रों।